जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। बहुत देरी सर जी, कोशिश कर रहे हैं जी। होता यह है कि एक श्रोता से बातें होती रहती हैं और बहरहाल आपका फोन लग गया, ये खुशी की बात है। नाम बता दीजिए और कहाँ से बात कर रहे हैं। जी जी, अताउर रहमान जी, तो आपका फोन लगता बड़े प्रयास के बाद लगा है। बहुत बहुत ये लोग बहुत खुश होते जी जी। तो ये है कि आपके इलाके में बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आसपास रहते हैं और एक दूसरे को, कई कई लोग तो दो दो तीन तीन फोन से फोन लगाते हैं। मैं बाजार पर भी बावन में दोनों को कोशिश बार बार कर रहा हूँ। जी जी, वैसे आज हमारा जो नंबर है 52 नंबर, वो ठीक ठाक है और उसी पर रिकॉर्डिंग हो रही है। और चूंकि मूल नंबर वही है तो जब वो ठीक रहता है तो हम लोग दूसरे नंबर का कॉल नहीं लेते हैं। तो कैसे हैं, क्या हाल चाल है? कार्यक्रम इधर आपने सुने, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? प्रोग्राम आपको बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और आज कौन सा गाना सुनना है आपको? ये सर जी, मेरे पसार में लोग साथी को कुछ नाम लेना चाहते हैं। चलिए दो चार लोगों के नाम ले लीजिए। ये आमिर भाई है, मेरे दादा है, बहुत दिन कोशिश कर रहे थे, दादा बोले थे लगाइए लगाइए, मगर दादा आज है भी नहीं, उनका तबियत थोड़ा डिसमिस हो गया है इसमें। जी जी, वो दादा का नाम लेना चाहते हैं। दादा है, अयान भाई है, आमिर भाई है, ये लोग गाना सुनना चाहते हैं सब एंजॉयमेंट। जी जी, गाना कौन सा है? दाल रोटी खाएंगे। दादा ये बोले थे गाना सुना देना हमको। धमिंदर है दादा का, वो दादा बोले थे बहुत पुराना पिक्चर है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये वाला। फिल्म ज्वार भाटा का ये गीत है ताऊर रहमान जी, और इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन है और राजेंद्र कृष्ण ने इस प्रसिद्ध गीत को लिखा है। ये गीत आपके जरिए हम सब तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है, नाम बताइए अपना। हम कोटवा से बोल रहे हैं, गुलजार। गुलजार जी, कैसे हैं आप? गुलजार होंगे, मौसम भी बड़ा गुलजार है इन दिनों, अच्छा सा मौसम है। हाँ। और हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक ही लग रहे हैं। कौन से गाने की आज फरमाइश है? गाने का फरमाइश आज का हमारा है, एक फिल्म आई थी लॉकेट, शोले। हाँ, शोले मेरी जवानी। हाँ, एक समय बड़ा ये गीत प्रसिद्ध था और जहाँ निकलिए उधर से ये गाने की आवाज आती थी उन दिनों। ये गाना मतलब बहुत चर्चित हुआ है। जी जी, तो ये गीत सुना दे, और कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, गौहर कानपुरी के बोल बापी लहरी का संगीत, और इस गीत को जैसा आपने बताया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया है। गीत सुनते हैं, नमस्कार शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हमसे बिछड़े हुए, आपको हमसे बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक जमाना बीत गया। वाह, क्या बात है, आपकी आमद हुई और बड़ा अच्छे अंदाज में हुई, और लेकिन एक अंतराल सच में बीत गया हमको आपसे बिछड़े हुए इस कार्यक्रम में लग रहा है। लेकिन आपकी यादें हमेशा रहती हैं, आप आए ना आए, चाहे दो चार महीने गुजर जाए, लेकिन आप हमेशा हमारे जहन में रहते हैं और श्रोताओं के साथ जिक्र भी होता है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी के लिए। मैं तकिया मणिया हूँ, जिला जौनपुर से, जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ। जी जी, और आपके नाम के जो व्हाट्सएप वगैरह आते थे वो भी इन दिनों कम हो गए, कुछ नाम आते हैं लेकिन वो अलग मुख्तलिफ नंबर से आते हैं दूसरों के। थोड़ा से हम लोग प्रोग्राम से भी दूर है, बस अब सुनना शुरू किया।
तो कार्यक्रम तो जी मेरा 2-3 घंटे गया सर, उठा नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हम लगभग 10:30 बजे से लगा रहे हैं। हाँ, तो उसी समय से तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, जो घंटी बजती है ना, जैसे आजकल ये हो गया कि हम लोगों ने वो बीप बीप जो आवाज आती थी वो हटवा दिया है, तो अब ये घंटी ही लोगों को सुनाई देती है, इंगेज नहीं सुनाई देता, और हमारे यहाँ नंबर भी शो नहीं करता है, वो चीज है। तो और बता दें, कैसे हैं आप, और हालचाल तो आपने बताया ही, मौसम भी बदल गया है और अब तो तीज त्योहारों के भी मौसम चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और मैं तमाम सुनने वाले दोस्तों को और आकाशवाणी परिवार को भी मैं ये जो अभी चल रहा है नवरात्र का सीजन सर, बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद दे रहा हूँ। जी जी, सभी को आपके जरिए मुबारकबाद और शुभकामनाएं हमारी ओर से भी पहुंच रही हैं। ये बताएं, बहुत सारे श्रोता जब आपका जिक्र करते हैं, दूर दराज के भी लोग हैं, तो कैसा लगता है कि आप प्रोग्राम में नहीं भी आते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, हम सभी? बिल्कुल सर, क्योंकि इतने अच्छे श्रोता ही है कि हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रोता हमसे प्यार करते हैं सर, और मैं भी तमाम दोस्तों से प्यार करता हूँ, बातचीत होती रहती। वही देखिए, जैसे कहा गया ना कि आप अगर नेकी करते रहिए तो अच्छाई रह जाती है और लोग उसे याद रखते हैं, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आदमी अपनी छाप छोड़ देता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े अच्छे अच्छे श्रोता तो है ही है सर, और पुराने पुराने श्रोता भी अब कुछ कॉल आपके पास कर रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहा है सर। जी जी, थोड़ी सी वही है कि भीड़ तो बढ़ गई है, देश भर से श्रोता आ रहे हैं और नाम में भी तो बाहर के भी देशों से श्रोताओं के नाम अब आ रहे हैं। तो कौन सा गीत अब सुना दें आपको जमील जी? फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। आवाज लता जी की है। देखिए, हो सकता है कि हम भूल रहे हो या हो सकता है सही भी हो। तुम जाओ कहीं, तुमको प्यार, हम जाए कहां सजना, हमने तो किया है प्यार, हमने तो किया है प्यार। बहुत बढ़िया, दोनों ही आपके जो आपकी दोनों ही जो प्रस्तुतियां रही ना, दोनों में एक अंदर में थोड़ा सा वो दर्द की लकीर जो है वो खींची हुई है और उसका एहसास पता चलता है, और हर गीत को भावनाओं तक महदूद नहीं किया जा सकता कि वो किसको लेके कौन सी बात कही जा रही। थोड़ा सा ये गाना हम लोग सुन के थोड़ा सा गम को भूलने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो गाने होते हैं गम भुलाने में बड़े काम आते हैं सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिल हल्का हो जाता है अपनी बात कहने से और गीतों के साथ हम जुड़ जाते हैं एक तरह से। तो गीत आप तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छा लगा आपने जमील जी फोन किया, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, टिंकू बोल रहा हूँ सर, आजमगढ़ से। बहुत बढ़िया टिंकू जी, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आप लोग कैसे हैं? जी, और आपके यहाँ ये दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब चीजें कैसे चल रही हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी तैयारी सर, आपको दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, हमारे भी तमाम श्रोताओं को कार्यक्रम के जरिए त्योहारों की शुभकामनाएं, और अब दशहरा के बाद तो दीपावली की तैयारी भी तेज हो जाती है, सिलसिला सा चल पड़ता है त्योहारों का। जी सर, और सिलसिला हमारे कार्यक्रमों का कैसा लग रहा है आपको? कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं? कार्यक्रम से क्या कहने सर, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं सर, इसी तरह चलते रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? गाना सर है क्रिश पिक्चर का है, आओ आओ सुनाओ एक कहानी, लड़का एक लड़की। जी, बहुत अच्छा सा गीत है, प्यार की कहानी वाला, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं इसमें। सही है। इब्राहिम अश्क के बोल हैं, बड़े अच्छे शायर थे और राजेश रोशन की तर्ज है। गीत सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। नमस्कार।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन जी, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सर जी, दीपक कुमार बोल रहा हूँ। कौन सी जगह से दीपक जी? जी सर, मैं कनियर बड़ा गांव से बोल रहा हूँ। और हमारे कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं, कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? जी सर जी, बहुत बढ़िया लगता है। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी सर, एक दोस्ती फिल्म है सर, 1964 की। जी जी, इसमें गाना है सर चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे। जी, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म, और इस फिल्म में रफी साहब के गाए हुए तमाम गाने अब बहुत मशहूर हैं, और इतने वर्षों बाद भी सोचिए सुने जाते हैं, याद रखे जाते हैं। सर अरुण सर बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। इस गाने में मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। हाँ सर, तो और कुछ कहना चाहेंगे, क्या करते हैं आप? सर मैं इस समय सूरत में हूँ। तो रहने वाले इधर के हैं आप? सर अपने बनारस का ही रहने वाला। जी जी, तो वहाँ पर अभी मौसम कैसा है? इसी तरह हल्की जैसे ठंड की शुरुआत हुई है, अभी गर्मी ही है? जी नहीं सर, अभी आज तो बादल छाए हुए हैं। और उधर तो नवरात्र में गरबा वगैरह होता है, दुर्गा पूजा दशहरा में। जी हाँ सर, गरबा होता है सर। जी जी, और दुर्गा प्रतिमाएं इसी तरह वहाँ भी स्थापित की जाती है, मेले जैसा लगता है? जी नहीं, मेला तो नहीं लगता सर, लेकिन गरबा यहाँ पे जैसे नवरात्रि बहुत प्रसिद्ध है। जी जी, गरबा जो होता है, बड़े बड़े मैदान और इस तरह के आयोजन होते होंगे खुले में। तो गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर, फिल्म है दोस्ती। नमस्कार, शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. జీ నమస్కార్, స్వాగత్ హే. జీ సర్ నమస్తే. జీ జీ బోలియ్. జీ జీ బోలియ్. ఆప్కే యహాన్ తో హమే లగ్ రహా కాల్ రికార్డ్ భీ హో రహీ హై. నహీ నహీ సర్, ఆజ్ ఫస్ట్ టైం ఫోన్ లగాయా సర్, తో ఇస్కో మే యాద్గార్ బనానా చాహతా హూన్ సర్. క్యా బాత్ హై, బహుత్ స్వాగత్ హై ఆప్కా ప్రోగ్రామ్ మే. నామ్ క్యా హై, కహాన్ సే ముఖాతిబ్ హై ఆప్? సర్ మే రాజేంద్ర కుమార్ యాదవ్ బోల్ రహా హూన్. జీ జీ, और घर है सर समोधीपुर विलेज, समोधीपुर प्रयागराज। बहुत बढ़िया, तो राजेंद्र जी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और अपनी प्रतिक्रियाएं वगैरह हम तक पहुंचाते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। व्हाट्सएप और मेल पर आधारित भी बहुत से कार्यक्रम है, उनमें भी भाग लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जी जी सर, मैं तो हर प्रोग्राम सुनता हूँ सर। जी, और इसमें यह है कि थोड़ा सा हेलो फरमाइश में भीड़ ज्यादा है, तो थोड़ा सा इंतजार, जैसे आपको आज करीब हमें लग रहा है 45 मिनट आपको इंतजार करना पड़ गया। जी जी जी, तो अच्छा लगता है। मतलब फोन डेली तो लगा रहा था, लेकिन क्या होता है कि बिजी। जी जी, डेली नहीं, आपको सिर्फ बुधवार को 10:30 से 11:15 तक लगाना रहता है, और ये रिकॉर्डिंग 11:20, 11:25 जैसे अभी 5-7 मिनट और रिकॉर्डिंग होगी, तो एक दो और आप जैसे श्रोताओं को अवसर मिलेगा, लेकिन उसके पहले प्रतिदिन नहीं होती, सिर्फ बुधवार को ही रिकॉर्डिंग होती है। जी जी सर। हाँ, और आप क्या करते हैं वहाँ पर? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ इधर, अभी तो बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ सर। जी जी, अभी 21 को गांव जाने वाला हूँ। जी जी, तो बेंगलोर में तो ये है कि मौसम हमेशा ठीक एक सा रहता है, करीब 28-30 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है, बहुत तेज गर्मी वहाँ नहीं पड़ती है? नहीं ज्यादा तेज नहीं सर, अभी तो बारिश चल रहा है, बारिश धूप ऐसा चल रहा है। हाँ हाँ, और वहाँ लगातार बारिश होती है, शाम के समय प्राय बारिश और बादल का मौसम हो जाता है। जी सर जी। तो बड़ा शहर है, कैसा लगता है आपको वहाँ पर? इधर सर जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं सर जी, इधर एकदम नेचुरली है, मतलब एकदम सुपारी का पेड़ तमाम, मतलब एकदम घना जंगल जैसा लगता है। जी जी, तब तो आप प्राकृतिक परिवेश में हैं। जी जी सर। तो सिविल का काम है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह तो बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे इलाके फैल रहे हैं, बिल्डिंगे बन रही हैं बड़ी बड़ी। जी सर, वो ब्रिज का इंजीनियर है सर, ब्रिज अभी बन रहा है इधर। जी जी, तो बहुत बढ़िया, देखिए आपके बनाए हुए रोड ब्रिज जब आप देखते होंगे कि बाद में पब्लिक और जनता उसका आम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी और संतोष का अनुभव होता होगा। जी जी सर। और अब बता दें कौन सा गीत सुनेंगे? जी एकदम कंटिन्यू इधर रह के काम कराना पड़ता है। जी बड़ी बात है, जिन सड़कों पर जिन पुलों पर हम चलते हैं गुजरते हैं जिनसे, तो उसके पीछे की जो मेहनत है आप जैसे लोगों की, वो काबिले तारीफ है, उसे भी हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और वहाँ रहते हुए आप ऐप के जरिए हमारे कार्यक्रम सुनते हैं? जी सर, ऐप के ही जरिए सुनता हूँ सर। और आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? सर वैसे गाना तो याद नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि चलो फोन लगेगा तो कुछ न कुछ फरमाइश करते हैं सर, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम फोन लगा है सर। बहुत खुशी की बात है। जी जी, हमें भी अच्छा लगता है, तो कार्यक्रमों में भाग लीजिए और थोड़ा सा निरंतर प्रयास करेंगे तो इसमें भी आपका फोन लग जाएगा जैसे आज लगा है। जी 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 सर। तो कौन सा गाना है? गाना सुना दीजिए सर। जी, दिल तेरा किसने तोड़ा वक्त में हालात में। हाँ, दिल तेरा किसने तोड़ा,
इंदिवर के बोल मोहम्मद अजीज की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, यानी पुराने गाने भी आपको याद रहते हैं उस दौर के। और नहीं तो आमतौर पे दयावान फिल्म का जब जिक्र आता है तो दयावान में वो गाना बड़ा प्रसिद्ध था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, वही याद आ जाता है। लेकिन ये गाना रेयर है, कम लोग सुनते हैं, और आज आपके जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब गीत आपको सुनवा दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार, मैं गगनदीप ठांडी, बहुत बढ़िया, पंजाब से बोल रहा हूँ। नहीं, नवा शहर पंजाब। नवा शहर पंजाब से आपके तो नाम आते हैं हमारे यहाँ। हाँ जी, तो बहुत खुशी की बात है, और आज आपका फोन भी लग गया। तो बहुत सारे केंद्रों से आप जुड़े होंगे, रेडियो से जुड़ाव कितना पुराना है आपका? वैसे तो मैं 85 से जुड़ा हुआ हूँ जी, और इस दौर में सोचिए बहुत परिवर्तन आ गए इन 40 करीब वर्षों में। तमाम संचार और मनोरंजन के माध्यम बड़े बदल गए। उस दौर में हम लोगों के पास सिर्फ फिल्में और टेप रिकॉर्डर जैसी चीजें होती थी, और रेडियो ही एक था। अब रेडियो तो सर ऐसा था ना कि रेडियो हम लोकल ही स्टेशन सुन पाते थे, ज्यादा से ज्यादा हम पंजाब में वो रेडियो कश्मीर जम्मू सुनते थे या सूरतगढ़ सुनते थे। इधर दूसरे दूर दराड वाला तो कुछ बातें सुनाई नहीं देता था जब ऐसा नहीं था। अब तो हमारे पास ऐप आ गया है, अब कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी कोई भी, और बहुत अच्छी क्वालिटी में इंटरनेट के जरिए देश दुनिया के कोने कोने में आवाजें पहुंच रही हैं। हम लोगों की ही नहीं, और अब ऐसे कार्यक्रम हो रहे जिनमें श्रोताओं की भी आवाज शामिल होती है, जैसे आज आपकी आवाज कार्यक्रम में शामिल हो रही है, तो आपकी भी आवाज देश दुनिया तक पहुंच रही है, खुशी और संतोष की बात है। पहले की तरह खतों को लिख करके महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता है अब। पहले तो ऐसे थे ना, खत लिखने पड़ते थे, फिर स्ट्रगल करना पड़ता था कि मेरा पत्र लगता है या नहीं लगता है। जी जी, वो हम समझ सकते हैं। हम लोग विविध भारती में जब थे तो एक बोरी चिट्ठी प्रतिदिन आती थी, बोरी भर भर करके। हाँ जी, हाँ जी। और उन खतों को छांटना पड़ता था, और एक प्रोग्राम में एक गाने के साथ आप 3-4 पत्र ही शामिल कर सकते हैं, तो हजारों लाखों की तादाद में श्रोताओं के पत्र पेंडिंग रहते थे। और अब तो व्हाट्सएप और ईमेल के हमारे कार्यक्रम हैं, व्हाट्सएप में तो खासतौर से इंस्टेंट फरमाइश पूरी हो जाती है आपकी जी। तो समय बदला लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये खुशी की बात है, इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। आज कौन सा गीत सुनना है आपको? आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं फिल्म हकीकत का गीत सुनना चाहता हूँ जी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं तुम, वही तो। हाँ, लता मंगेशकर की आवाज है, और मदन मोहन की तर्ज कैफी आजमी के बोल, बड़े अच्छे शायर हुए, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया नथाना जी, नमस्कार। थैंक यू सर।